दोस्तों वॉच टाइम कंप्लीट करने का पेड तरीका मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा वीडियोस देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर पीसी वगैरह लगा के रख दिए हैं और वो क्या करते हैं आपसे पैसे लेते हैं और उसके बदले में आपको वॉच टाइम की सर्विस देते हैं, मतलब आपके चैनल की वीडियोस को बार बार प्ले करके कंप्यूटर से ट्रिक लगा के आपको वॉच टाइम की सर्विस देते हैं। लेकिन दोस्तों वो तरीका मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर पीसी कुछ भी है ना तो आप खुद से ही वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो, खुद से ही। आपको कहीं भी नहीं जाना है और ना ही एक भी रुपए खर्च करना है, बस कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है। देखो जो लोग सर्विस देते हैं पेड तरीके से ना, सेम वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप खुद से कर सकते हो, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक चीज बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे करके कौन सा वीपीएन लगाना है, क्या क्या करना है और कैसे करके वॉच टाइम इंक्रीज करना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मेरा लैपटॉप का स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, हर एक प्रोसेस बताएंगे कि कैसे करके आपको कौन सा वीपीएन यूज करना है, कैसे मल्टीपल ब्राउजर को ओपन करना है और कैसे करके अपने वीडियो को चलाना है और आपको क्या नहीं करना है ताकि आपका वॉच टाइम ड्रॉप ना हो, ठीक है। हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी जाके बहुत इजी तरीके से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा और मोनेटाइजेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बस इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पे जाने के बाद आपको सर्च कर देना है जेनमेट वीपीएन, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये वाला, ठीक है, सर्च कर देना है जेनमेट वीपीएन। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा लिंक आ जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन, लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल क्रोम का, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक, ये वाले लिंक के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो गाइस चलिए यहाँ से हम कर देते हैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे लोडिंग लेना स्टार्ट हो चुका है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे एक नया पेज खुल के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए ऐड टू क्रोम, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐड टू क्रोम, तो सिंपली आपको कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके क्रोम में थोड़ा सा 7-8 MB का कुछ डाउनलोड होगा, ठीक है, तो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने देना है एक्सटेंशन करने के लिए। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपली आपको एक्सटेंशन कर देना है, करने के बाद दोस्तों आपके क्रोम ब्राउजर में वीपीएन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मार्क करके ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। चलिए यहाँ से गाइस हम कर देते हैं इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आ गया फ्री वीपीएन जेनमेट बेस्ट वीपीएन, मतलब वीपीएन का नाम आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे वीपीएन का, जो वीपीएन आपने क्रोम में एक्सटेंड किया है ना वही वीपीएन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करोगे ना तो आपके सामने कुछ आएगा, स्किप स्किप कर देना, ठीक है, कुछ ट्यूटोरियल बताया जाएगा। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे सिंपली हम इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे, क्लिक करने से पहले यहाँ पे देख लो नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है सिंगापुर, यहाँ से आप कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी कंट्री का सर्वर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंगापुर का सिलेक्ट, मेरा ऑटोमेटिक है तो मैं रहने देता हूँ, मैं सिंगापुर का ही सर्वर कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। सिंपली कर देते हैं यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या चलना स्टार्ट हो चुका है, सेकंड, यहाँ पे देखो 0005 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, मतलब हमारा सेकंड चलना स्टार्ट हो चुका है, एक तरीके से हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों हम इसमें कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना तो यूट्यूब उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा वॉच टाइम ड्रॉप का चांस बहुत ही कम होता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूर से देख लेना, जिससे आपको मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस आप पूरा देखना, हर एक प्रोसेस को समझना, पूरी तरीके से जानकारी ले लेना, उसके बाद ये ट्रिक को आप अपनाना। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपका लोगो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी आपका ईमेल लॉगिन रहेगा ना, ईमेल का लॉगिन जो रहेगा यहाँ पे उसका लोगो देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको कर देना है उसके ऊपर क्लिक, लोगो के ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले बहुत सारा मल्टीपल यहाँ पे ब्राउजर क्रिएट करना है, ठीक है, मल्टीपल टैब क्रिएट करना है। तो गाइस सिंपली आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का, ठीक है, तो आपको ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे आपको, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक साइन इन और दूसरा कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, तो आप कोई भी नाम डाल देना, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9 देखने के बाद यहाँ से आप चाहो तो कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उतना करने के बाद आपको कर देना है डन, ठीक है। यहाँ पे डन कर दिया हूँ तो मेरा एक नया टैब ओपन हो चुका है, एक नया यहाँ पे मतलब अकाउंट क्रिएट हो चुका है बिना ईमेल आईडी डाले हुए, ठीक है। अब दोस्तों फिर से क्या करना है, फिर से आपको करना है इसके ऊपर क्लिक, उसी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल टैब क्रिएट कर रखा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाना है ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से सेम प्रोसेस करना है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे कोई भी नाम डाल देना है, एक ही नाम बार बार नहीं डालना है, अगला बार हमने 9 यहाँ डाला था, इस बार डाल देते हैं 10, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से कर देते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से एक नया हमारा टैब ओपन हो चुका है। अब गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से हम इसको कर लेते हैं मिनिमाइज, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ से
एक मिनट यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब दोस्तों मैं आपको एक जो चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको साइड कर लेता हूँ सबको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको भी कर लेता हूँ मैं इधर से थोड़ा साइड। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारा यहाँ पे टैब क्रिएट कर रखा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो लगभग 10 टैब मैंने क्रिएट कर रखा हूँ, तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारा टैब क्रिएट कर लेना। आपका जो लैपटॉप या तो पीसी जो रहेगा ना, उसका मतलब रैम जिस प्रकार से रहेगा, जितना कैपेसिटी रहेगा उसी प्रकार से आप क्रिएट कर लेना। आपका कितना भी कैपेसिटी है, अगर आपके लैपटॉप या तो कंप्यूटर का रैम 4 GB का है ना, तो कम से कम आप 30, 40, 50, 60 टैब, मतलब 60 टैब तक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से रन हो जाएगा। बस इसके लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना चाहिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे टोटल 10 टैब क्रिएट किया हूं, आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है। 10 टैब क्रिएट मेरा हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना हर एक स्टेप को, अब समझना, ताकि आप अच्छे तरीके से वॉच टाइम गेन कर सकते हो। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ पे गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम कर देते हैं, सबसे पहले यूट्यूब को सर्च करते हैं, यहाँ पे YouTube लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। YouTube लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे YouTube आ चुका है सबसे पहले। अब गाइस क्या करना है, आपको जिस भी चैनल पर वॉच टाइम बढ़ाना है उस चैनल को यहाँ पे कर लेना है सर्च, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा YouTube के ऊपर क्लिक कर दें, YouTube हमारा खुलने देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा YouTube खुल चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपने चैनल का नाम सर्च कर लेंगे, जिस भी चैनल पर हमें वॉच टाइम बढ़ाना है। जैसे कि मेरा लगभग चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट है, मोनेटाइज भी कर रखा हूँ इसी ट्रिक से। अब मैं एक नए चैनल को मोनेटाइज करने वाला हूँ, मुझे उस पर वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नया कोई भी अल्टरनेट चैनल को सर्च कर लेता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप एक चीज समझ लो, जिस भी चैनल पर वॉच टाइम बढ़ाओगे ना, उस चैनल पर कम से कम 4 मिनट से ऊपर वाले वीडियो पे ही ट्रिक लगाना, ठीक है। 2-3 मिनट की वीडियो रहेगा तो ट्रिक मत लगाना, कम से कम 4 मिनट लेंथ रहेगा उसी पे ट्रिक लगाना। दोस्तों मेरे इस चैनल पर ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको। और दूसरी बात, आपके चैनल पर मिनिमम 10 वीडियो होना चाहिए लॉन्ग वीडियो, ठीक है, कम से कम 10 वीडियो होना चाहिए, ताकि आपको मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि देखो मेरे यहाँ पे वीडियोस तो है लेकिन वीडियो का लेंथ कम है, बट कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपली आपको कोई भी वीडियोस का लिंक को कर लेना है कॉपी। जैसे कि मैं चलिए इसके ऊपर कर लेता हूँ क्लिक शेयर, और गाइस चलिए यहाँ से कर लेता हूँ लिंक को कॉपी। सबसे पहला चीज आपको कर लेना है लिंक को कॉपी, ठीक है। लिंक कॉपी होने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है वीडियोस को प्ले। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा लिंक तो कॉपी हो चुका है, कॉपी होने के बाद आपको कर देना है एक बार वीडियोस को यहाँ पे प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम साउंड को यहाँ से म्यूट कर लेते हैं, एक मिनट, ओके चलिए यहाँ से साउंड हमारा म्यूट हो चुका है, और यहाँ से भी म्यूट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, यहाँ से भी कर देते हैं म्यूट। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा वीडियो चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है, और यहाँ पे आपको क्वालिटी जो दिख रहा है ना एकदम पूरा लो कर देना है, ठीक है, ऑटो पे नहीं रखना है, 144p में कर देना है, ठीक है, पूरा क्वालिटी लो कर देना है। लो करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको कर देना है मैक्सिमाइज, यहाँ पे देख सकते हो, और फिर से आपको कोई दूसरा टैब में चले जाना है, उसके बाद ये वाला टैब में, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, जो लिंक को आपने कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, पेस्ट करने के बाद कर देते हैं एंटर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियोस यहाँ पे लोडिंग लेना स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पे भी हमारा वीडियो शो हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको फिर से इस यहाँ पे जो हमारे वीडियोस आ चुका है ना, तो आपको बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो को कर देना है प्ले, ठीक है। मेरे नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे लोडिंग ले रहा है, बट यहाँ पे देखो जिस प्रकार से हमने ये वाली वीडियो को प्ले किया है ना, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारे टैब में वीडियोस को प्ले कर देना है। जैसे कि मेरा इस टैब में लोडिंग ले रहा है, तो क्या करते हैं फिर से एक नया टैब में आ जाते हैं, और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लिंक को पेस्ट, और गाइस कर देते हैं यहाँ पे सर्च, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा वीडियो चलना स्टार्ट हो चुका है, सर्च कर दिया हूँ, और इसमें देखो हम वीडियो को यहाँ पे फ्यूज कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ से चलने देना है वीडियो इस प्रकार से। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला जो है इसमें थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है इसलिए धीरे धीरे लोडिंग ले रहा है, बट आपको क्या करना है, सारे टैब में वीडियो को प्ले कर देना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बस आप समझ जाओ, और इसी ट्रिक से आप वॉच टाइम बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि देखो मेरा इस टैब में वीडियो चले मतलब प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले तो आपको सारा टैब को ओपन कर लेना है, जितना भी आपके टैब आपने बनाए हो, ठीक है, 40, 50, 100 जितना भी टैब बनाए हो आपके लैपटॉप के हिसाब से टैब को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 टैब में दिखाया हूँ, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब ओपन करना है, फिर से यहाँ पे टैब ओपन करना है, मतलब बहुत सारा आपको टैब टोटल ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा बहुत टैब हो चुका है ओपन। अब दोस्तों सारे टैब में आपको अपने वीडियोस को प्ले कर देना है, जैसे कि इस टैब में मेरा वीडियो चल रहा है ना, इसी प्रकार से आपको सारे टैब में वीडियो प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद सबसे पहले क्वालिटी तो एकदम लो कर देना है, ताकि आपका डेटा बचेगा, इंटरनेट का स्पीड कम खाएगा। अगर आपके पास वाईफाई है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप SD में जाओ तो देख सकते हो। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है सेटिंग वाला ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे डेटा तो कम कर देना, ये आपको बता दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, जो आपका माउस का कर्सर का राइट क्लिक होता है ना, आपको राइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लूप का, ठीक है, आपको कर देना इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। लूप वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे आपका वीडियो खत्म होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वीडियो मैं लास्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा वीडियो भी खत्म होने वाला है, यहाँ पे 17 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड, ठीक है, वीडियो खत्म हो जाएगा। तो बस क्या करना है, बस यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जितने भी टैब मतलब बनाए हो ना, सारे टैब वीडियो को प्ले करके क्वालिटी लो करके आपको लूप इनेबल कर देना है, लूप पे टिक लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो प्ले होगा, लास्ट तक जाएगा, वीडियो खत्म होगा तो फिर से वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब आपका वीडियो बार बार चलते रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा एक तरीका कि किस प्रकार से आपको वीडियो को वॉच करना है ताकि वॉच टाइम मिले। अब दोस्तों आप देखो, अगर आपने 60 टैब ओपन किया है, ठीक है, और अगर आप एक मिनट तक सारे टैब में वीडियोस देखते हो, तो आपको एक मिनट में एक घंटा का वॉच टाइम मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने 60 टैब में देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक ही टैब में दिखाया हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क का स्पीड नहीं है, बाकी सारे टैब में आपको यही प्रोसेस को अपनाना है। एंड दोस्तों बात करते हैं दूसरा नंबर का, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो जब आप वॉच टाइम बढ़ाओगे ना, तो एक ही वीडियो पे सारा का सारा वॉच टाइम नहीं लेना है, 200-300 घंटे का वॉच टाइम एक वीडियो पे लेना है, फिर 200-300 घंटे का वॉच टाइम एक वीडियो पे लेना है, ताकि आपको मोनेटाइजेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी तरीके से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये वाला टैब मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे लूप, ठीक है, लूप लगा दिया। तो ये वाला वीडियो भी जब चलेगा ना, तो क्या यहाँ पे लास्ट तक खत्म होगा, तो फिर से हमारा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेटेजी को लगा के लोग पेड तरीके से आपको सर्विस देते हैं, बस बहुत सारे कंप्यूटर लगा के रख दिए हैं, 10-20-30-40 आपसे पैसे लेते हैं और आपके वीडियो को कंप्यूटर में प्ले करके आपको वॉच टाइम की सर्विस देते हैं और बदले में आपसे पैसा लेते हैं, सेम यही ट्रिक को लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप पीसी कंप्यूटर कुछ है, तो ये स्ट्रेटजी को यूज करके आप बहुत ही आसानी से खुद से ही वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।